तो मेरे भाई लोग कैसे हो यार। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो यार आ चुके हम एक और नया लेके सोलो रैंक पुश का गेम प्ले। तो यार इस वीडियो की बात करें तो अपन उधर मिरर वर्ल्ड से आ चुके थे और अपने 3 किलो हो चुके हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे गाड़ी ढूंढने के लिए निकलता हूँ और मुझे मिलती है एक यूएज। और यूएज उठाने के बाद मैं इधर उधर लूट करता हूँ और एक बंदा और मारता हूँ मैं और एक बॉट। तो यार इसका मैंने डाला नहीं है, थोड़ा मतलब वीडियो लंबी हो रही थी तो मैंने इसको हटा दिया। एंड इसके बाद मैं इधर आता हूँ ये वाले कंपाउंड पे। एंड आपको ये स्क्रीन में स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, तो ये अपने लीडर बोर्ड के जादूगर मैं नेट गेमिंग। तो भाई इस बंदे ने इतना गंदा मारा कि भाई मैंने इसको रिपोर्ट किया था और आज मेरे को इसका मैसेज आया कि ये भाई साहब तो हो लिए बैन। अब ये परमानेंट हुए हैं यार, टेम्प्रेरी है तो BGMI जाने। एंड अब गेम की बात करें तो यार जोन जो था वो बन चुका था। एंड अभी मुझे सेंटर में एक अच्छा सा हिस्सा पकड़ना था, तो मैं यहाँ से गाड़ी उठाता हूँ और सीधा आ जाता हूँ पोचिंग के ये वाले चर्च वाली रिज पे। एंड अभी मैं इधर ही होल्ड करता हूँ और मैं ऑलमोस्ट सेंटर में था। एंड अभी देखो इधर से कितनी सारी गाड़ियाँ निकलने वाली थी। तो यार इधर आके मैं होल्ड करता हूँ तो इधर से निकलती है एक यूएस। तो भाई इस यूएस वाले के अलग ही नशे होते हैं। अरे ये मेरे को अपना किल देने के लिए आया था, मतलब फ्री में किल। और ये भाई साहब को भी पहुंचा दिया अपन ने लॉबी। एंड इसके बाद ये थोड़ा सा मेरे को डैमेज देता है, अपने रिफ्लेक्स दिखाने की कोशिश करता है। एंड उसके बाद थोड़ा मैं हील करता हूँ और उसके बाद आती है इधर से एक और बाइक। तो ये बाइक वाला को तो भाई वो जो पोचिंग में एक बंदा होता है वो उसको प्लग झपकते उतार देता है। एंड इधर आती हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ। अभी मैं जोन के बिल्कुल एज में था तो मुझे अभी जोन के बाहर से जो गाड़ियां आती उन्हीं को देखना था। एंड पहले तो यार मैं पीछे की तरफ एक दो स्मोक कर देता हूँ कि कोई चर्च पे ना आए यार इधर से, मतलब मेरा सीधा डब्बा ना बना दे। एंड इधर स्मोक करने के बाद मैं इधर बंदों को मारता हूँ। ये डासिया वाला तो मतलब 1 HP में भाग जाता है और ये सीधा वेयर हाउस के अंदर अपनी डासिया घुसेड़ देता है। एंड इसकी तो किस्मत अच्छी थी, ये बच गया। डासिया वाले की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि ये भी बच जाए और अपन ने बना दिया इसका डब्बा। अब जो जोन था वो भी बन ही रहा था और जोन मुझसे काफ़ी दूर बन गया था, तो अभी मुझे थोड़ा बहुत लूट वूट चाहिए थी। तो यार जो मैंने नीचे एक डासिया वाला बंदा मारा था मैं उसको लूटने के लिए जाता हूँ। एंड इसको लूटने के लिए जाता हूँ तो मुझे इधर सामने एक बंदा स्पॉट होता है और ये बंदा यार जो उनके अंदर किसी को बायजन से मार रहा था, तो मैंने इसको बना दिया डब्बा। एंड अभी इधर एक ड्रॉप पड़ा हुआ था तो मैं इसको जल्दी से लूटता हूँ और इसमें रहती है ग्रोजा द बीस्ट गन। तो यार मैं जल्दी से ग्रोजा उठाता हूँ और इसके बाद जोन जो था वो भी चालू हो गया था। एंड इधर मैं जल्दी जल्दी अपनी यूएस उठाता हूँ, निकलता हूँ यहाँ से जोन के अंदर। तो यार देखो अभी कैसे इधर जोन से मतलब बच के जाते हैं अपन जोन के अंदर। अभी एक दो बुलेट और कनेक्ट होती तो इधर ही अपन का हरा धुआं निकल जाता। तो यार जल्दी से मैं इधर पहुँच के पहले तो एक शील्ड का कवर बना लेता हूँ और इधर पहले तो मैं अपने आप को करता हूँ हील। इधर ही मैं हील वील हो चुका था और जोन जो था मुझसे 10-15 मीटर दूर था। एंड जो पीछे वाले घरों पे बंदे थे उनको भी आना था जोन के अंदर। और अभी यार जो सामने बंदा रहता है वो मेरे पे थोड़े नेड करने की कोशिश करता है, पर इसके पहुंचते हैं नहीं मेरे तक नेड। एंड मैं आ जाता हूँ इस वाले पत्थर पे और धीरे धीरे जोन के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। तो यार इधर मैं वापस अपने कवर पे आ जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ओपन हो रहा था और मैं भी मतलब जोन अभी श्रिंक वानी था तो मेरा आगे जाके फायदा था नहीं। और इधर आती है एक बग्गी और ये बग्गी वाला सीधा उस शील्ड वाले बंदे पे चला जाता है, वो उसका उधर डब्बा बना देता है। तो यार मैं सोचता हूँ क्या पता वो डैमेज और मैं एक ऐसी रैंडम नेड करता हूँ इसके ऊपर। एंड अभी मैं यार जोन में आ गया था तो इधर मैं पहले तो 2 शील्ड का कवर बना लेता हूँ, उसके बाद आती है इधर एक कूपा।
तो भाई देखना अभी इस कोपा वाले का दिमाग क्या ही खतरनाक रहता है। जैसे ही मैं स्कूबा वाले पे ग्रेनेड खींच रहा था तो ये भाई साहब स्मोक करके बहुत चालाक बनते हैं और कूपा के अंदर गेट इन करके चुप बैठ रहते हैं, तो मेरे को हो जाते हैं स्पॉट। एंड अभी यार ये बंदा था जो पीछे जोन से आ रहा था स्ट्रगल करके, तो यार इसका स्ट्रगल ख़त्म करके हमने तो पहुँचा दिया इसको लॉबी। एंड अभी जो तीन दो बंदे और बचे हुए थे, मतलब तीन बचे हुए थे मेरे को मिला के, तो यार एक की लोकेशन तो मुझे पता था कि एक बंदा राइट में है और दूसरे की मुझे अभी इतनी कन्फर्म लोकेशन पता थी नहीं। तो यार पहले तो मैं यहाँ पर एक सील्ड मंगा लेता हूँ ताकि आने वाले जोन के लिए मेरे को थोड़ा इजी रहे। एंड इधर एक स्मोक हुआ रहता है तो मैं इसमें करता हूँ एक ग्रेनेड। और अभी यार मेरे को थोड़ा बहुत जोन के अंदर जाना था, तो पहले तो यार मैं थोड़ा रैंक के आगे बढ़ता हूँ। और जो राइट में एक बंदा था पहले तो मैं सोचता हूँ इसको मारूँ, एंड जो दूसरा बंदा होगा वो तो फिर स्पॉट हो ही जाएगा। तो यार जैसे मैं इधर आता हूँ एंड ये वाला बंदा भी यार मुझे सामने की तरफ शील्ड के पीछे टीपी भी लेता हुआ स्पॉट हो जाता है, इसका बना देता हूँ मैं डब्बा। अब यार मुझे लगता है जो आखिरी बंदा है वो सामने की तरफ ही कहीं है, तो पहले तो यार मैं स्मोक कर देता हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा 4-5 मीटर जोन के अंदर जाना था। तो यार पहले तो मैं उसका व्यू ब्लॉक करके सामने की तरफ करता हूँ एक शील्ड डिप्लॉय, एंड मैं पेड़ की तरफ करता हूँ पहले तो एक नेड, कि क्या पता अगर पेड़ के पीछे हो तो फटवट जाए। तो यार इधर आने के बाद मैं लास्ट शील्ड रहती है मैं इसको भी कवर बना लेता हूँ और इस बंदे के ले लेता हूँ टीपी भी। तो यार मुझे लग तो गया था ये बंदा सामने की तरफ ही कहीं है, तो मैं इस वाले बंदे पे आ जाता हूँ और ये बंदा होता मुझे स्पॉट। और यार इस बंदे का भी बना दिया डब्बा। और इसके बाद देखते हैं यार अपने को कितना, मतलब इस गेम में कितना प्लस मिलता है। ये यार क्राउन फर्स्ट का गेम प्ले था, देखते हैं अभी कितना प्लस मिलता है। तो यार इस गेम से मिलता है अपने को 29 का प्लस। मिलते हैं आपको ऐसे किसी इंटेंस गेम प्ले साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।